हाशिम भाई की हाशिम भाई का हाशिम भाई है इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा इनकी हालत ये तो अपना कासिम है किसने की दर्दनगी इसके साथ पैगाम भी लिखा हुआ अरे देखो देखो ऊपर पैगाम भी लिखा हुआ है ये मिसाल है उन लोगों के लिए जो 40 चोरों की गुफा में दाखिल होकर उनका खजाना लूटने का ख्वाब देखते हैं ना मिट्टी नसीब होगी इसे ना कफन जिसने उतारा इसे वो और उसका पूरा खानदान इसके साथ बंधा हुआ मिलेगा ये पैगाम तुम्हारे रहनुमा जादूगर के नाम है हिम्मत तो इंतकाम ले जादूगर वरना खुद को रखवाला बुलाना बंद कर ये बंधी हुई लाश तेरे लिए तोहफा है हमारा देखा क्या हश्र हुआ ये होता है अंजाम उस रखवाले को अपने सर पर चढ़ाने का और बुला उसे अपना रखवाला आज इसकी लाश टंगी हुई यहां पर कल एक एक करके हम सबकी लाशें इसी चौराहे पे लटकी मिलेंगी क्यों नहीं लौटा देते वो तलिस्मान जो उन 40 चोरों की अमानत है उन चोरों से चोरी करना कितना बड़ा गुनाह हो गया उसी की बदौलत कई दफा बचे हैं हम लोग अगर रखवाला न होता तो तुम्हारी तलवारें हमें बचाती 39 चोरों से तो बुलाओ ना अपने उस रखवाले को ये खबर कासिम के घर वालों को देनी होगी चलो आज तो मौसी की भी फीकी फीकी लगने लगी है उनके बिना मुझे तो ना समझ में आ रहा है ना दाल तेरे भाईजान इतना वक्त तो कभी नहीं लगाते कहाँ रह गए आज या अल्लाह कासिम भाईजान थोड़ा जल्दी आ जाइए भाभी जान की जान निकले जा रही है आपके दीदार के लिए लीजिए आ गए आपके अजीज और हमारे भी अरे क्या हो गया आप लोग रो क्यों रहे हो या अल्लाह अब क्या मुसीबत आन पड़ी मोहल्ले में किसी की मौत हो गई है क्या अली बेटा कासिम कासिम मेरा बोला आपने बकवास कर रहे हैं ये लोग तुम्हारे कासिम भाईजान बिल्कुल ठीक हाँ। कासिम ठीक है कासिम की लाश
फिक्र हो रही थी तेरी। अली, इन दीदारी से भरी हुई पोटली तेरे लिए, तेरा जो दिल करे खरीद लेना मेरे भाई। मिसाल है उन सभी लोगों के लिए जो 40 चोरों की गुफा में दाखिल होकर खजाना लूटने का ख्वाब देखते हैं। ना मिट्टी नसीब होगी इसे, ना कफन। जिसने उतारा इसे, वो और उसका पूरा खानदान इसी के साथ बंधा हुआ मिलेगा। ये पैगाम है तुम्हारे रहनुमा जादूगर के नाम। हिम्मत हो तो इंतकाम ले जादूगर, वरना खुद को रखवाला बुलाना बंद कर दे। ये बंधी हुई लाश तेरे लिए तोहफा है हमारा। अली, 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 तेरे भाईजान, भाईजान को उतार नीचे, अली, अली, उन्हें, उन्हें देर तो नहीं होगा, अली, अली, अली जाओ, उन्हें उतार। जाना अली, क्या करा क्यों है तू? उतारो मेरे भाईजान को। तूने पैगाम पढ़ा ना, वो सबको मार देंगे। तू बेटा तू नहीं जा सकता। तो 40 चोर आपके साथ साथ सबको मार डालेंगे। अली, अपने बच्चों के बारे में सोचिए, अपने परिवार के बारे में सोचिए। नासिया बाबी, उनका क्या होगा आपके बगैर? अली, संभालिए खुद को, सब बहुत मुश्किल है, लेकिन आप खुद को संभालना होगा। अली, इन सब का जिम्मेदार भी मैं ही हूं।
मैं जाकर भी भाईजान की लाश नहीं उतार सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो 40 चोर मेरे खानदान को खत्म कर देंगे। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखने को मिलेगा। मेरे जादूगर होने की इतनी बड़ी कीमत चुकाई मैंने और मेरे खानदान ने। रिश्तों की ताकत किसी भी खौफ से लड़ने के लिए काफी है। ये बात इन 40 चोरों को आज समझ में आएगी। जितना पहरा लगाना है लगा लो, भाईजान तक तो मैं पहुंच कर ही रहूंगा। आज 40 चोरों अली बाबा को अपने भाई से मिलने से रोक सको तो रोक लो। तलिस्मान, दिखा अपना कमाल। बना ऐसा कहरा कि किसी को कुछ नजर ना आए। अचानक से इतना धुआं कहां से आ गया? अचानक से कोहरा कहां से आ रहा है? इस कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये क्या हो रहा है? ऐसे गुमान हो रहा है जैसे परवास पर एक और आफत आने वाली है। कासिम भाईजान, कासिम भाई की लाश कहां से आ रही है? ये जरूर उस जादूगर की चाल होगी। वो इस काशिम की लाश लेने जरूर आया होगा। तुम्हारे उस रखवाले की बदौलत 40 चोर की आफत आ गई। भागो। जरूर ये उस जादूगर ने किया है। तुम्हें की आड़ में उसने लाश को गायब कर दिया। वो जादूगर यहाँ से दूर नहीं गया होगा बल्कि यही कहीं छुपा होगा। ढूंढो उसे। आपने कभी नाराज होने का हक नहीं दिया भाईजान, लेकिन आज आप पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अकेला छोड़ के चले गए आप मुझे। कौन है मेरा? अब कह रहा है कौन मेरा? अम्मी तो नहीं है, अब्बू भी नहीं है। एक आप ही तो थे। आज लग रहा है कि अली बाबा वाकई में यतीम हो गया। जब तक
भाईजान के जनाजे के इंतजाम नहीं हो जाते, मुझे 40 चोरों की नजर से इनकी लाश को छुपाना होगा। तलिस्मान दिखा अपना कमाल और कर दे भाईजान के जिस्म को गायब। रखवाला ले गया भाईजान को। चल इस चोरों से बचा कर वो बाकी रस्में भी बहुत आकर देगा, आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको डेड बॉक्स समझ नहीं है, अब पता क्यों नहीं देते? आप भी रखवा लो। मेरे अजीज जिंदा थे ना, तब भी दुनिया ने सिर्फ मायूसी दी है, तो से उम्मीद रखते रखते वो इस दुनिया से चले गए अली, पर उनके मरने के बाद भी तूने सिर्फ उन्हें नाकाम किया है। अपने कंधों से उनके जनाजे के बोझ के लिए मैं तूने अपने कंधे खींच लिए अली, तू क्यों भाई के लाने के लायक नहीं है? चल निकल, निकल, निकल मेरे घर से, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देख सकती। मेरे घर से भाभी, भाभी, भाभी समझने की कोशिश कीजिए। भाभी चलो मेरी जान ले ले, पर पड़ने से पहले और फिर मेरा कसीदार करवा दे बुरा। आज चाहे जो हो जाए, भाईजान का आखिरी दीदार आपको करवा के रहूंगा भाभी, वादा है आपसे।